अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीक अली, मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग। फोनर्स आर, मैं बोल लूँ, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टेड। फोनर्स आर क्रेजी फॉर दिस रेस्टोरेंट, सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। तो वीडियो का टाइटल है फॉरनर्स आर क्रेजी अबाउट दिस रोबोट रेस्टोरेंट इन इंडिया। से स्टार्ट करते हैं वीडियो को भाई। बेंगलोर है क्या है? तो आप सभी को बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है इस ब्लॉग में। और इस ब्लॉग की अगर सबसे ज्यादा किसी को प्रतीक्षा थी तो वो है बेविन, क्योंकि आज हम जा रहे हैं एक ऐसे रेस्टोरेंट। कौन से रेस्टोरेंट? हाँ, रोबोट वाले रेस्टोरेंट में। तो सुना है कि यहाँ से कुछ दूर नोएडा में एक ऐसा रेस्टोरेंट खोला है जहाँ पर रोबोट्स सर्व करते हैं कस्टमर्स को। तो आज जाकर देख लेते हैं। आप रोबोट से मिलना चाहते हो? क्या करोगे आप रोबोट से मिलकर? क्या क्या बोलोगे? आर यू एक्साइटेड? आर यू एक्साइटेड? करीब दो घंटे कार चलाने के बाद हम यहाँ पर आ चुके हैं। बेबन तो बेचारा सो गया था, अभी भी सो रहा है, और मिलन तो शायद सोते रहते हैं। मार्केट कैसी है? तो यहाँ पर है वो रेस्टोरेंट जहाँ पर रोबोट खाने परोसते हैं। तो बेबन को आप संभालो, मैं छोटे को संभालता हूँ। आ जा बेटा, आज आपको रोबोट से मिलाने लेके चलता हूँ मैं। कहाँ है रोबोट? दिख गया? तो रोबोट के रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे हैं हम, मतलब रोबोट जहाँ पे खाने परोसते हैं उस रेस्टोरेंट को ढूंढ रहे हैं। तो भाई यहाँ पे तो लगता है लाइन लगी हुई है, लगता है बेसमेंट में जाकर है, थोड़ा सा नीचे है। भाई रोबोट तो दिखे नहीं अभी तक, कठपुतलियाँ दिख गई हैं। क्या बोलना, दीज आर द रोबोट्स, इंडियन रोबोट्स। भाई बहुत भीड़ है यहाँ पे, लगता है रोबोट तो दिख नहीं रहे हैं और इंसान तो यहाँ पे शायद बात ही नहीं करते। रोबोट भी नहीं कोई मिलने आया अभी तक हमसे। यहाँ पर बहुत भीड़ है और रिसेप्शन पे कोई बैठा भी नहीं है, ना इंसान बैठा ना कोई रोबोट बैठा। तो 15 मिनट वेटिंग है और कोई समस्या नहीं थी, दूर आए हैं तो वेट तो करेंगे। और मैंने पूछा अभी भाई से कि रोबोट कहाँ है, तो उन्होंने कहा रोबोट भी अंदर हैं, वो भी निकल के बाहर आएंगे अभी मिलने हमसे। चलो मैं आपको रोबोट्स में बताता हूँ। नमस्ते, इनका इनका नाम है रूबी। तो नमस्ते रूबी जी, आपकी प्लेट पे कुछ नहीं रखा अभी। अच्छा, आंखों ही आंखों में कुछ बातें कह रही हैं मेरे से। अच्छा जी, लुक बेबिन, दीज आर द टू रोबोट्स हियर, यू सी देम बेबिन, रोबोट बिहाइंड यू। बेबिन थोड़ा बहुत चक्का है। मेरे को रोबोट से भी ज़्यादा अच्छा जो लग रहा है वो लग रहा है कठपुतलियाँ। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, पेंटिंग भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। दिख गई? नहीं दिखी होगी। एक मिनट जूम इन करता हूँ। ये देखो, ये हाथ भी देखे आपको, रोबोट चल रही है, देखा आपने? पर बड़ा लंबा घूम के गई है, गोल गोल चक्कर लगा रही है रोबोट। अरे मतलब खाना वहां पर देना था तो तब घूम के क्यों गई? डिड यू सी दैट? Yes. Yeah.
Yeah, baby is so excited. He's so happy. बेबिन थोड़ा डर रहा है, रोबोट से मेरा हाथ पकड़ के जाएगा। चल भाई तो रोबोट से बताऊं। रोबोटिक मेक इन इंडिया है क्या? तो बेबिन ने रोबोट से मिलने के लिए मना कर दिया, कह रहा कि मेरे साथ ही मिलेगा, उसे अकेले मिलने में डर लग रहा है। बेटा रोबोट आपसे, रोबोट आपसे कुछ नहीं कहेगा। आपको डर लग रहा है? हाँ तो थोड़ा सा डर लग रहा है। बहुत थोड़ा। व्हाट व्हाट व्हाट? इट्स टेकिंग अ यू टर्न। इट्स टेकिंग अ यू टर्न। अरे तो हमारा खाना आ रहा है अब। धन्यवाद। बड़ा लंबा घूम के आ रही हैं दिवा रोबोट। दिवा यू सी शी इज लुकिंग एट मी। अरे टक्कर मार दी क्या रोबोट ने? अरे डांट मार दी आपको उसने? आर यू जेलस ऑफ व्हाट? शी इज लुकिंग एट मी। आर यू जेलस? तो आशा करते हैं कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और यदि ब्लॉग पसंद आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जी जनाब। अच्छा मैं सबसे पहले His wife is looking so younger. यानी कि मुझे एक बार को लगा कि कोई छोटी बच्ची से थोड़ी सी बड़ी, मतलब टीन एज कर ले 17-18, इससे ज़्यादा की मुझे नहीं लग रही थी वो। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी बात ये कि हमने लास्ट व्लॉग में भी कहा था कि मुझे इनके हस्बैंड भी फॉरनर लगते हैं, प्रॉपर अंग्रेज लगते हैं। लगता ही नहीं है कि वो इंडिया से रिलेट करते हैं या इंडिया से हैं। और आपने देखा नोएडा रेस्टोरेंट, अच्छा इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, वीडियो देख चुके हैं प्रॉपर्ली। तो ये रोबोट को हमने पहले रूबी नाम है इनका। अच्छा मैं बताई किससे समझी थी, धोखा खा गई थी थोड़ा सा स्टार्टिंग में। मुझे लगा कि वो लक्ष्मी एक रोबोट देखा था हमने जो बकाया था, एक शो में भी गए थे। हाँ वो अलग था। तो उसके अंदर मैं वही हैरान हो रही थी कि इसमें व्हील्स लगे हुए, ये जो मूव हो रही है तो व्हील्स के थ्रू हो रही है, और बकायदा वो बिल्कुल लड़की की तरह। असल में हर टेबल का एक सेंसर होगा, और जिस टेबल का वो ऑर्डर होगा उस सेंसर को फॉलो करेगा वो। तो एक मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पर काम करता है ये। आइडिया बहुत अच्छा है, रोबोट का ये सारा चीज़ है, ये तो कंप्यूटराइज सारा ऑपरेट हो रहा है, लेकिन पब्लिक के लिए एक अट्रैक्शन है। देख आपने नोट किया कि जितने रेस्टोरेंट थे वो छोड़ के रोबोट रेस्टोरेंट, ठीक है। अच्छा जब अंदर गए उन्हें वेट भी करना पड़ा, सीट भी खाली नहीं थी, नोट किया आपने? फिर थोड़ी देर खड़े थे, फिर उसके बाद उनको टाइम मिला, फिर जैसे उनकी सीट। अच्छा बच्चे की एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी, बिल्कुल तो मैं बच्ची समझती हूं उनकी बालों की वजह से काफी देर। मैंने भी तो मतलब कमेंट्स भी हमें आए थे कि ये लड़का है और छोटी वाली बच्ची है, बेबी है। अच्छा वो बेबी है, अच्छा उसको मैं बॉय समझ रही हूं, बॉय। इनके बालों की वजह से, इनके बालों की वजह से काफी कर्ली से बहुत ज्यादा अच्छे लग रहे थे इनके हेयर। अच्छा मैं ही कहूंगी कि बच्चे का पहले एक्साइटमेंट था, तो बाद में ना होता है कि बच्चे देखे अच्छा नहीं लगा, मामा चलो ये भी मैंने देखा है कुछ बच्चों को कि किसी भी रेस्टोरेंट में जिद करके जाते हैं कि हमने वहाँ पे वो अट्रैक्शन देखी, वो देखता है उसके बाद ना उसको देखने के बाद मामा चलो हमें अच्छा नहीं लग रहा।
बहुत बोरिंग हो गया, इतनी देर से वेट कर रहे हैं, छोड़े छोड़े घर चले, तो अब जिद करके अपने पेरेंट्स को ले आते हैं वापस भी। लेकिन मैंने देखा इस बच्चे ने एक तो वेट भी इतना किया आपने देखा इतनी देर तक, और वो आखिर तक बड़ा इंटरेस्टिंग था, बिल्कुल इंटरेस्टेड रहा उस रोबोट में, वो बार बार तारीफें कर रहा है, बार बार एक्साइटमेंट दिखा रहा है अपनी, और जब उनके फादर पूछ भी रहे तो कह रहे हैं हाँ हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा डर लगा हाँ थोड़ा सा लगा, अच्छा बहुत थोड़ा लगा, अच्छा फिर वो कन्फ्यूज हुआ कि थोड़ा डर लगा, मुझे कम डर लगा और बताऊँ, तो बोलते और थोड़ा कम डर लगा। अच्छा मैंने देखा हिंदी बड़ी प्योर और बड़ी ना एक नफीस किस्म की, बच्चे जो बोल रहे हैं मतलब ये कमाल की बात है, बहुत ज्यादा, जी हाँ अपना कल्चर, हाँ, अपनी अपनी परंपरा, अपनी तहजीब नहीं छोड़नी, अव्वलीन तरजीह, अव्वलीन तरजीह। अच्छा एक चीज है कि ये काफी दूर से आए थे तो मुझे जो इनकी मिसिस थी थोड़ी थकी, वो थक गई थी, वो मतलब कोई खास बस रिपोर्ट है वो चलता हुआ आ रहा है, वो मेरे ख्याल में उन्होंने दुनिया देखी है, उन्होंने एक से एक रिपोर्ट देखे, उन्होंने सारी चीजें देखी है, तो थोड़ा सा डिफरेंट भी था ये वाला जो रिपोर्ट था, वो थोड़ा सा एक्साइटेड नहीं थी, मतलब थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा ना टाइडी लगी। अच्छा रिपोर्ट के अलावा भी उन्होंने अपना जो बैकग्राउंड और आसपास का जो माहौल बनाया हुआ है बड़ा अट्रैक्टिव बनाया हुआ है ताकि लोगों के लिए सिर्फ रिपोर्ट ही। आपने देखा किस तरीके से वो कठपुतलियाँ जो थी, और ये भी कल्चर था, हाँ ये भी कल्चर था। और मैं एक चीज़ की तरफ आना चाहूंगी कि मैं कहती ना इस रोबोट के अंदर हमें व्हील्स देखने को मिली, जबकि हमने लक्ष्मी रोबोट जो देखा था उसकी बकायदा फीट थे, वो अपने पाओं के थ्रू मतलब चल रही थी, तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी कैटेगरीज होती हैं इसमें, काफ़ी वेरियंट हैं, काफ़ी काइंड्स हैं रोबोट्स की। अब मैं समझती थी सारे ऐसे ही होते होंगे, लेकिन आज मैंने देखा इसके अंदर गौर करा तो व्हील्स हैं इसमें, और ये व्हील्स से मूव हो रहा है, अच्छा आगे भी चला जा रहा है, फिर उसको डायरेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा तो वो पीछे आ रहा है। इतनी एक्यूरेसी इसमें नहीं दिखी जितनी हमें लक्ष्मी में दिखी थी, इन्फॉर्मेशन दे रही है। वही आप कह रहे थे कि मैंने देखा वो मूव होते हुए आई थी या वो, हाँ तो मुझे याद नहीं आ रहा शायद आपको। दूसरा ये है कि एक रिपोर्ट ऐसा भी है कि जो बाकायदा एक पूरी वायरल वीडियो हुई थी, बहुत ही जाइंट मशीनों से बना हुआ, काफी जाइंट साइज का, जाइंट साइज का मशीन है, और बाकायदा चल रहा है ना ठप ठप। अच्छा धप, वो उसके भी फीट्स हैं, उसके तो बाकायदा फीट्स हैं और मूव कर रहे हैं, वो बात बात का तो मुझे नहीं पता, बात भी शायद कर रहा था, सऊदी अरब की कोई वीडियो थी, अरबी वर भी सारे घूम रहे थे, वो चल के आ रहे हैं, तो उसकी पूरी बॉडी के जो पार्ट्स हैं जो मशीन हैं वो सारी दिख रही हैं, और ढप। यानी आपके कहने का मकसद ये है कि मॉड्यूल छोटा बड़ा डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन क्योंकि पर्पस के हिसाब से। अब यहाँ पे मैंने देखा टोटली इनका जो पर्पस है वो सर्विंग है, ये एक मशीन है, हाँ, ये एक मशीन है, उसको इंसान का फेस दे दिया अट्रैक्टिव बनाने के लिए, अपने रेस्टोरेंट को एक नई इनोवेशन लाने के लिए, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा इंसान का एक शक्ल लगा दी और एक मशीन है वो चल के आ रही है, उसके फिट कर दिया। मुझे सेंसर आईज में लग रहा था, हाँ हो सकता ऐसे आँखों में सेंसर होता है, मेरी आँखों में नहीं गौर कर रहा था उनके सेंसर। अच्छा खैर आप मुझे बताएं कि ब्लॉग की सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है। सबसे इंटरेस्टिंग बात मुझे वो छोटा बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, बहुत ही खूबसूरत, और दूसरी बात ये है कि थक गए थे दूर से आए थे तो इस वजह से बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। अच्छा वो जब उन्होंने कहा ना कि उनको समझ नहीं आया कि आप पूछूँ, तो उन्होंने हबी से पूछा है कि आर यू एक्साइटेड, यार सो एक्साइटेड, यानी कि वो समझ गए थे कि ये थक गई है। अब मुझे मतलब दिल भर आने के लिए कि इनको फील ना हो ना, तो जैसे नहीं तो फजूल में कोई सवाल कर लिया, यार सो एक्साइटेड, तो वो समझ गए थे ये थक गई, तो उन्होंने ऐसे जवाब दिया, तो मैं भी समझ गई थी कि व्लॉग में वो भी फील कर रहे थे। अच्छा बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की इन फैमिली को देख के, बड़ी क्यूट सी फैमिली है, बड़े अच्छे लोग दिखते हैं, पॉजिटिव लगता है इनको देख के, अच्छा लगता है, अच्छी वाइब्स आती है, सही बहुत अच्छा लगता है इनको देख के, और मैं मतलब दुआ करूंगा कि हंसते बसते रहें, इनके नसीब अच्छे हों और इनके जो मकासद है वो पूरे हों, बहुत ही अच्छी फैमिली लगती है। दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।